तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से अनमोल सत्य विचार परिवार में, जहां रिश्ते बनते हैं, बिगड़ने का कोई चांस नहीं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी लघु कथा सुनाने जा रहा हूं, जो एक बड़ी सीख देगी कि औरत या स्त्री का क्या महत्व है हमारी जीवन में। क्योंकि आज भी हमें बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि स्त्री का सम्मान नहीं होता, शादी के बाद दर्द भरी जिंदगी गुजारती है। यह सब देखते हुए एक स्त्री ने अपने भगवान से सवाल किए कि हे प्रभु, समाज में अबला में, कमजोर में, विधवा में कुछ हो जाए तो चरित्रहीन में, सबसे ज्यादा आंसू मेरी झोली में, इंसान को पैदा करने का दर्द भी मुझे दिया, मासिक धर्म का दर्द भी मुझे सहन करना पड़ता है, बार बार ठुकराया मुझे जाता है, सबसे ज्यादा चिंता मुझे होती है, घर के बाहर जाऊं तो बदचलन, अंदर रहूं तो नकारा और घमंडी, ना कोई छुट्टी ना ही आराम, और तो और लोग बोलते हैं कि बुद्धि भी घाघरे के घेर जितनी है, और जन्म से पहले मारा भी मुझे ही जाता है। अब आप बताओ प्रभु, मेरी किस्मत में फुर्सत क्यों नहीं, मुझे ही क्यों इतना नाजुक और कोमल बनाया। तो इसमें प्रभु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, यह सब तुझ में इसलिए है क्योंकि तू मुझ में है, इसलिए तुझ में सब कुछ सहने की आंतरिक शक्ति है, इसलिए तू सारे रिश्ते अंतर आत्मा से निभाती है, क्योंकि तुम्हारी अंतर आत्मा में परमात्मा का निवास है। इसलिए कहते हैं कि बेटे भाग्य से तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है। जो इंसान तेरा आदर नहीं करेगा और तेरी पीड़ा को नहीं समझेगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। जो तुझे सच्चे मन से अपनाएगा, उसके जीवन में तू लक्ष्मी का रूप बनकर जाएगी और उसके परिवार में सुख और समृद्धि लाएगी। इसलिए तेरा होना जरूरी है, तेरा रोना नहीं, तेरा सहना जरूरी है, तेरा कहना नहीं, और तेरा जताना जरूरी है, तेरा बताना नहीं। इसलिए तुझ में मैं हूं और मुझ में तू है, तू है तो सारी सृष्टि है, और यह चमत्कार सिर्फ तुझे प्रदान किया गया है। इसलिए कभी भी निराश होने की कोशिश मत करना, तेरे लिए मैंने हर रास्ते खोल कर रखे हैं। तू भले परेशान हो जाएगी, लेकिन खुशियां तेरे द्वार पे आके दरवाजा खटखटाएगी। तो दोस्तों, इस बातों से अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना रिश्ता बनाए रखें। धन्यवाद।